और हमारे समालका के प्रसिद्ध व्यापारी श्री शिव कुमार जैन जी से वो आए और अपने मुखारविंद से संदेश दे श्री शिव कुमार जैन जी चेयरमैन व्यापार कल्याण बोर्ड हरियाणा। परम आदरणीय सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमान रमेश कौशिक जी, पूर्व विधायक भाई भरत सिंह छोकर जी, मंच पर बैठे सभी गणमान्य नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, मित्रों, जब से हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब से लेकर 12वीं विधानसभा के चुनाव 21 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। आपने भी कुछ दिन पहले लोकसभा के चुनाव करवाए थे जिनमें आपने एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, केंद्र में मोदी सरकार की स्थापना हुई और जो काम वर्तमान में मोदी जी ने किए भूतो न भविष्यति, न कभी हुए थे और न कभी आगे होंगे, ऐसे काम देश के प्रधानमंत्री ने कर दिए। आज इस देश की जनता का माथा दुनिया में ऊंचा हो गया है जब भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री ने अपने धारा 370 कश्मीर से हटाकर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। हम कहते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, परंतु था नहीं, वो बनाया और आदरणीय मोदी जी और अमित शाह ने बनाया भारत का अभिन्न अंग, अब कश्मीर बन गया है। उनके एक नक्शे कदम पर चले तो मनोहर लाल जी चले, मनोहर लाल जी ने राजनीति को एक नई दिशा दी, राजनीति में ईमानदारी की पहल की। मित्रों, ईमानदारी और मनोहर लाल ये पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। शब्द दो हैं, अर्थ एक है, ईमानदारी कहो या मनोहर लाल कहो, बात एक ही है। आज तक आपने देखा हरियाणा में करप्शन और कांग्रेस जो पर्यायवाची शब्द थे, जब जब कांग्रेस सत्ता में रही करप्शन पर चढ़कर हुई, आम आदमी का जीना दूभर हो गया था। इस प्रदेश को जितना लूटा, लूट लूट कर अपना घर भरा, जनता के हिस्से में क्या आया, विकास कहां से होता, रुपया तो नेताओं की जेब में गया। अब समय बदल गया है, मनोहर लाल जी एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, युग पुरुष हैं, जिन्होंने राजनीति के मायने बदल दिए हैं। ये महापुरुष इतिहास में उसी तरह से याद किए जाएंगे, भाई और बहनों, जैसे आज हम चंद्रगुप्त मौर्य को याद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मध्य पहुंच चुके हैं, एक सेकंड के अंदर आपके मध्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य को याद करते हैं, अशोक सम्राट को याद करते हैं, उसी तरह से ये महापुरुष याद किए जाएंगे। हजारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर कोई पैदा। दोस्तों, इतिहास लिखा जा रहा है, शताब्दियों के बाद ही ऐसे महापुरुष जन्म लिया करते हैं। Yeah.
पहुंचे हैं, कुछ बता चुके हैं। मैं आपके निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, जोरदार तालियों के साथ। उनके साथ हमारे कार्यकारी जिलाध्यक्ष देवेंद्र दत्ता जी बधा रहे हैं, आपका भी स्वागत है। भारत माता की। मित्रों, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। हमारे श्री मनोहर लाल जी ने हर गरीब के, हर माता के, हर बहन के, हर बेटी के, हर हर मजदूर के, हर किसान के, हर कर्मचारी के, हर व्यापारी के आंसू पोंछे, किसी को तकलीफ नहीं होने दी। कोई वर्ग ऐसा बचा नहीं जिसको लाभान्वित ना किया हो। ऐसे मुख्यमंत्री आने वाले समय में, अरे इतिहास में याद किए जाएंगे कि ऐसे भी कोई व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति में ईमानदारी कायम कर दी। राजनीति की परिभाषा जिन्होंने शब्दों से नहीं की, अपने जीवन से की, अपने जीवन से की। ऐसे मुख्यमंत्री हैं हमारे लाल मनोहर लाल जी। लाल पहले भी हुए हैं मित्रों, लेकिन वो लाल अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सके। कोई आदमपुर हिसार में उलझ कर रह गया, कोई भिवानी तोशाम और लोहारू से आगे नहीं निकल सका, कोई छच्चर में और रोहतक में रह गया, तो कोई आदमी सरसा रोड़ी में और महम में अटक गया। हमारे लाल चौथे लाल श्री मनोहर लाल जी ने सब लालों को पछाड़ दिया, सबसे आगे निकल गए हैं। बोलिएगा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय श्री मनोहर लाल जिंदाबाद। भाई शशिकांत कौशिक को वोट देना, आदरणीय मनोहर लाल जी को वोट देना होगा मित्रों। दब करके वोट करें, 21 तारीख को याद रखे, कमल के निशान को याद रखे। आज समालखा के बहुत ही वरिष्ठ विभिन्न पार्टियों के नेतागण, श्री मदन छोकर जी, गांव पति कल्याणा जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का आक्रमण थाम रहे हैं, बिट्टू पहलवान जी जोरदार, आपको मैं बताना चाहता हूं, रणवीर आटा जी, सुरेंद्र सिंगला जी, रामवीर आटा जी, रणवीर आटा जी, जितेंद्र बेनीवाल जी भाभरा, डायरेक्टर शुगर मिल सुपोतर चौधरी देव सिंह जी भाभरा, अनिल भारद्वाज जी, वेद नंबरदार जी, किसान नेता समर्था अनिल भारद्वाज जी, अरुण बजाज जी, सभी आज दूसरी पार्टियों को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। हमें आमंत्रित करूंगा हमारे नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष बहुत अच्छे लगता बहुत सुंदर वचनों से वाणी से आपको संदेश देंगे देवेंद्र दत्ता जी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वक्ता बहुत अच्छे हैं, बहुत लंबा समय लेंगे बाकी तो आपको सुने। देवेंद्र दत्ता जी मंच पर विराजमान, हमारे हरियाणा प्रांत के यशस्वी कर्मशील कर्मठ और ईमानदार मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान मनोहर लाल जी, मैं मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों का नाम लूंगा तो उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा। मैं इस सभा में उपस्थित मेरे सभी वंदनीय बुजुर्गो, वंदनीय मातृशक्ति, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के समालखा से जो प्रत्याशी हैं श्रीमान शशिकांत जी, उनके लिए आपके समक्ष अपनी बात, अपनी प्रार्थना, अपना निवेदन करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं अभी हाल ही में रात को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कार्यकारी जिला अध्यक्ष के नाते से आशीर्वाद दिया है, मुझे ये नया दायित्व सौंपा है। मैं आप श्री के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रांत की समस्त भारतीय जनता पार्टी की टोली का, अध्यक्ष जी का, संगठन महामंत्री जी का, अन्य सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं केवल इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आज हम लोग सभी पुनः 2019 के उस महासमर में जाने वाले हैं। उस समय जब आप अपना वोट देंगे तो केवल एक बार
ये निर्णय जरूर कर लेना, केवल एक बार ये चिंतन जरूर कर लेना, केवल एक बार ये आकलन जरूर कर लेना कि इन 5 वर्षों से पहले जो सरकारें हरियाणा प्रांत के अंदर हुआ करती थी वो सरकार चलाई जाती थी या भ्रष्टाचार को जन्म दिया जाता था। ये पहली बार माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रांत में ऐसी सरकार बनी जिस सरकार के अंदर हरियाणा प्रांत के एक एक व्यक्ति ने ये अनुभव किया कि ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सरकार है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कामगार है, चाहे वो व्यापारी है या अन्य किसी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति है, ये उसकी अपनी सरकार है। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात न करते हुए आप सबका बहुत बहुत अभिवादन व्यक्त करते हुए अपने जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी का पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, केवल इतना कहकर कि आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, दिल के अंधेरों से अंधियारा दूर भगाएं, रात गई और हुआ सवेरा, फूलों पर भंवरों ने जैसे किया बसेरा, ऐसे ही मिलकर कमल का फूल खिलाएं, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं। जय भारत, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद दत्ता जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे समालखा के प्रत्याशी, आपके चहेते, आपके बेटे, आपके भाई शशि चांद कौशिक जी को जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की। ईमानदारी की मिसाल, पारदर्शी शासन लाने के जन्मदाता, यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, मोदी जी का कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में सोनीपत के सांसद सफाई से लिख दो रमेश कौशिक जी, साफ साफ हल्के के चुनावी प्रभारी सुरेंद्र अलावा जी, लोकप्रिय विधायक रविंदर मसरौली जी, मेरे चारों मंडल अध्यक्ष, चुनाव समिति के सदस्यगण, हल्के व जिला के वरिष्ठ नेतागण, मंच पर आसीन ज्येष्ठ श्रेष्ठ साथीगण, पिता समान बुजुर्गो, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी देवी के रूप में बैठे मेरी माताएं बहने, पत्रकार छायाकार साथियों, आप सबका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दूसरी बार मुझे अवसर देकर मुझ पर विश्वास जताया। मुझ पर मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी का बहुत बड़ा एहसान है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको कुछ देने के लायक तो नहीं हूं, परंतु मैं आज आपको यह वचन देता हूं कि मैं पूरी जिंदगी आपका ऋणी बना रहूंगा। साथियों, मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम पर विश्वास जताया है, हम उस विश्वास को कायम रखेंगे। पिछली बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर हमें नहीं मिल पाया, परंतु हमें अब यह अवसर मिला है, हम किसी कीमत पर भी इसे नहीं खोएंगे। हमें मुख्यमंत्री जी को यह विश्वास दिलाना होगा कि चाहे जो भी हो जाए, इस बार समालखा के ऐतिहासिक दर्ज कराएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा है अब की बार 75 बार, उस नारे का हर हाल में पूरा करना है। समालखे का नतीजा बाकी भी बहुत सी सीटों पर असर डालता है, इसलिए समालखे से यह संदेश देना चाहिए कि देश की जनता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की नीतियों और हमारे दिनदिन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरा भरोसा करती है। साथियों, मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहता है कि जनता की आवाज में पिछली बार सदन में नहीं उठा पाया। चाहे कारण कुछ भी हो, मैं सारी गलती अपनी मानता हूं, परंतु अब हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। विरोधी सुन ले, वे दुष्प्रचार कर रहे हैं, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, परंतु हम उनसे डरने वाले नहीं है।
जाके कोई कहते सोलह से चिंगारी से, जाके कोई कहते सोलह से चिंगारी से, इस बार कमल खिलाया बड़ी तैयारी से। साथियों, जनता को पता चल गया है हमारे सामने जो दल है उसके पास न कोई नेता है, न उनकी नीयत है, न उनके पास नीति है। जनता को यह बात अच्छी तरह पता चल गया है कि देश और राज्य में भाजपा ही केवल सरकार चला सकती है, एक मजबूत और अधिक विकास कार्य कर सकती है। जनता ने देखा है कि 5 साल में मनोहर लाल जी ने कितनी साफ नीयत से और अपने अच्छी नीतियों से सरकार चलाई है। सरकार ने भ्रष्ट लोगों को और दलालों को चंडीगढ़ जाने के लिए रोक दिया है। भारत की संस्कृति और भारत को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने माननीय मोदी जी दिन रात एक कर रहे हैं। आइए हम सब प्रण लेकर भाजपा के नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। मैं समालखावासी से वायदा करता हूं, ये गारंटी देता हूं कि मैं समालखा की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि आप और हम मिलकर एक नए समालखा का निर्माण करेंगे, जिसमें ईमानदारी होगी, जिसमें पारदर्शिता होगी। नया उदाहरण पेश करेंगे हम समालखा के लिए। मैं हल्के की जनता को दंगे की चोट पर यह बताना चाहता हूं कि समालखा से गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और बदमाशी उस तरह मिटाते हैं जैसे गद एक सिर पर से सींग। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार, प्रणाम। भाई शशिकांत कोशी। साथियों, आपके हाथी रजीत भारत माता जी चौधरी मनोहर लाल खट्टर जी आप जिनके इंतजार में आप सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भाई श्याम बरेजा जी पार्षद एवं प्रधान पंजाबी महासभा समालखा, परमाननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को विजय रथ भेज करके सम्मानित करेंगे परमाननीय भाई श्याम बरेजा जी। और साथ में समालखा नगर पालिका एवं समालखा की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को गदा भेंट की जा रही है। हमारे शहरी मंडल जगदीश रमन जी, जितेंद्र वर्मा जी, भगवान शर्मा सोनोली जी, राधे श्याम गिंदर जी, वो भी मौका देकर जल्दी मुके लिए आओ। जल्दी सटेज पर आए सारे मंडल अध्यक्ष हमारे माननीय मंजीत टिकाडला जी, शिव कुमार जैन जी, ऋषिपाल रावल जी, विजेंद्र आटा जी, सुभाष कुहार जी राज्यसभा वहां के प्रधान है, धर्मवीर जोगी जी जोगी समाज से, और रावल जी, दलित मास्टर मनाना जी, रामकिशन बिहोली जी, श्यामचंद कुमार जी जिला पार्षद है, सत्यनारायण शर्मा जी जिला पार्षद है, राजेश झटीपुर जी भाजपा नेता है, और हमारे पूर्व चेयरमैन नगर पालिका के राजेश जी, हरपाल चेयरमैन जी, सभी अभी हम माननीय हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, जिनके बातों में आपने लगातार 5 घंटे से, अब मैं प्रार्थना करूंगा हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। भारत माता की वंदे वंदे। समालखा का दम माता के, भारत माता के। समालखा की इस पवित्र भूमि पर आज ये अपनी
चुनावी सभा और इस चुनावी सभा में अभी हमारे सोनीपत लोकसभा के सांसद श्री रमेश कौशिक जी अपना भाषण करके दूसरी सभा में उनको जाना था इसलिए वो वहां गए हैं। हमारे यहां के जो सांसद श्री संजय भाटिया जी उनको हमने अपने केंद्रीय कार्यालय में पूरी चुनाव की व्यवस्था पूरे प्रदेश की दे रखी है इसलिए उनका भी फोन आ गया था कि चूंकि चुनावी व्यवस्था में सब कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं तो कहने लगे मेरी भी हाजिरी लगवा देना। मैंने कहा मैं जाके लगवा दूंगा। आज हमारे बीच में हमारे जिले के कार्यकारी अध्यक्ष, अब इनको भी कार्यकारी अध्यक्ष बनने का मौका इसलिए मिला कि हमारे के जिले के जो अध्यक्ष थे अभी भी हैं उनको भी चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। पानीपत शहर से हमारे प्रमोद विज जी वो अपने चुनाव में व्यस्त हैं, उनकी जगह कार्यकारी अध्यक्ष जिनकी आज ही नियुक्ति हुई ऐसे भाई देवेंद्र दत्ता जी। हमारे यहाँ के प्रत्याशी बहुत ही होनहार जुझारू संघर्षशील नौजवान श्री शशिकांत जी, यहां से पूर्व में विधायक रहे और बहुत ही जुझारू हमारे नेता श्री भरत सिंह छोकर जी, वैसे एक ही गांव के लगता है। गांव का सम्मान किया है, त्याग टिकट का भी किया है, गांव का भी सम्मान किया। जरूर सोचा होगा कि एक गांव से दो आदमी अगर बिड़ गए तो क्या बढ़ेगा, अच्छा नहीं बढ़ेगा ना। इनको उस बात का श्रेय जाता ही है कि जब इस विधानसभा में हमारी जीत होगी तो बहुत से लोगों को इसका श्रेय जाएगा। सभी सामने बैठने वाले हमारे कार्यकर्ता, नौजवान साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सबको श्रेय जाएगा, हमारे नेताओं को भी श्रेय जाएगा, सबको श्रेय जाएगा। हमारे बीच में इस चुनाव के प्रभारी पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता भाई श्री सुरेंद्र अलावत जी, ऋषिपाल रावत जी, बिट्टू पहलवान जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के हमारे चेयरमैन श्री शिव कुमार जैन जी, पंजाबी सभा के प्रधान श्री श्याम भरिजा जी और एक नाम बहुत ही जिनको मेरा ज्यादा परिचय तो नहीं है लेकिन हमारे गवर्नर साहब जो पहले हिमाचल में गवर्नर थे और अभी राजस्थान गुजरात में गवर्नर हैं श्री देवव्रत जी आ रहे, उनके बड़े भाई मास्टर प्रेम सिंह जी ये भी मंच पर विराजमान है, निश्चित रूप से इनका भी हमको सहयोग मिलेगा। भाई बहनों, ये विधानसभा क्षेत्र जिसमें पिछली बार भी हमने शशिकांत कौशिक जी को इस मैदान में उतारा था लेकिन कई बार छोटी बड़ी चूक हो जाती है। हरियाणा की जनता का मैं धन्यवाद तो करता हूं कि पहली बार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दे करके और सरकार बनाने का मौका दिया था 2014 में। अब ये बात भी ठीक है, हमारे 47 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते थे, 5 विधायक इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार 5 साल तक समर्थन दिया था और संयोग से एक विधायक यहां इस भूमि से बना हुआ भाई रविंद्र माछरोली, उन्होंने भी लगातार हमारा सहयोग किया। मेरी आज बात हुई सोने उनसे, मैंने कहा देखो भाई टिकटें बहुत लोग मांगने वाले होते हैं और जीत की क्षमता रखने वाले भी बहुत लोग होते हैं, पार्टी की विचारधारा में भी बहुत लोग विश्वास रखते हैं। आपने इंडिपेंडेंट विधायक होने के बाद भी पार्टी की विचारधारा में विश्वास था तभी आपने समर्थन किया, इच्छा आपकी भी थी, इच्छा हमारे शशिकांत जी भी थी, इच्छा और भी 2-3 लोगों की थी, ऐसा दो ये है ऐसा नहीं है।
या कई लोगों की इच्छा थी और जीतने वाले भी कई लोग हो सकते थे। जिस प्रकार का पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना है उसमें जीत की क्षमता रखने वाले भी कई लोग हैं, लेकिन कोई ऐसा फार्मूला है कि भारतीय जनता पार्टी एक के बजाय दो आदमियों को खड़ा कर सके? है कोई फार्मूला? नहीं है। तो टिकट तो भाई कितने को मिलेगी? एक को मिलेगी। लोग पूछते हैं कारण क्या है, एक को मिली बाकियों को क्यों नहीं मिली? अब इसका कोई कारण बताया जा सकता है? होगी तो हो, तब भी नहीं बता सकते क्यों। वास्तव में कारण कोई नहीं था। अगर मैं एक कारण कभी कभी बता देता हूं हाथ के इशारे से तो वो ये था। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि 2009 में किसने नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनेगी? किसने सोचा था? और ये भी नहीं सोचा था कि 2014 में सरकार बन गई तो मनोहर लाल नाम का कोई आदमी आएगा और मुख्यमंत्री बन जाएगा? सोचा था क्या? बात कर रहा था मैं रविंद्र माशोली, उनका आज तो मैं दिल्ली गया हूं इसलिए आज तो पता नहीं मैं सभा में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा विधायक कौन बनेगा? तो मैं सही बताता हूं उनका कि विधायक तो शशिकांत कौशिक बनेगा, कोई नहीं बनेगा। और मैंने अभी शशिकांत जी को उनसे बात करा दी है, कहने लगे कल सवेरे में आऊंगा और काम में जुट जाऊंगा। अगर हमारी सारी ताकत इकट्ठी करनी चाहिए। भरत सिंह जी छोकर का जब हमको पता लगा, संजय भाटिया जी मेरे सांसद, उनसे मैंने बात की और मुझे लगता है उन्होंने तुरंत इनसे बात की होगी। इन्होंने उसी समय कहा हम एक गांव के दो आदमी नहीं खड़े होंगे, मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा। क्यों भरत सिंह जी ऐसी बात हुई? ऐसी हुई श्रेय जाता है इन लोगों को, श्रेय जाता है इनको। ये ठीक है कि हमको सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। मैं कई बार कह देता हूं भाई ये जो परिचय कराते हैं ना ईमानदार मुख्यमंत्री है। मेरी अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री ईमानदार को सबको ईमानदार होना चाहिए। बहुत बड़ी ताकत है ईमानदारी। न्याय और अन्याय बहुत फर्क जो है जनता पहचानती है। हमारा इतिहास भरा पड़ा न्याय अन्याय में, न्याय अन्याय की लड़ाइयां। रामायण के काल से रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था तो न्याय और अन्याय की लड़ाई के काल से किया था, जिसका पुतला हम हर साल दहन करते हैं, कब फिर करेंगे? कभी है ना दशहरा। इस दशहरे के उत्सव की भी आपको बहुत बहुत शुभकामना। तो सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे बीच में आए हुए सभी बंधुओं से मैं इस चुनावी सभा में एक निवेदन करने आया हूं। वातावरण अच्छा है, बहुत अच्छा है। सामने मुकाबले में पार्टी के नाम से तो कुछ नहीं है, कहीं कहीं कोई कोई कैंडिडेट ऐसा प्राण हो सकता है जिसका अपना कोई स्थान हो। हमने देखना यह है कि अगर कोई मान लो पार्टी ही बेकार हो गई है, जिस पार्टी का कोई मतलब नहीं रहा, जिस पार्टी के दुनिया भर के झगड़े शुरू हो गए, जिस पार्टी के विचारधारा में कुछ बचा नहीं है, तो फिर उनके आदमियों को कितने ही तगड़े हो, कुछ भी हो, तो क्या करेंगे उसका? इसलिए हमको सबसे पहले विचारधारा की लड़ाई लड़नी है। हमारी विचारधारा में नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल पहले एक बात कहा था कि मैं इस जनता को एक आह्वान करना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं, सब लोग मन में धारण कर लो कि देश पहले मैं बाद में। कहा था कि नहीं? और फिर देशभक्ति की बात चल पड़ी, राष्ट्रवाद की बात चल पड़ी। पाकिस्तान के आतंकी जो बनाने वाले जो फैक्ट्रियां थी उनको ध्वस्त किया। हरियाणा का बहुत बड़ा उसमें भला हुआ है कि आज कश्मीर भारत का अंग बन गया है, 370 का प्रभाव समाप्त हो गया है। बहुत बड़ा भला हुआ है हरियाणा का। हरियाणा को तो घर घर से फौजी है भाई, सेना में सारी सेना का 10वां हिस्सा हरियाणा से है। अगर ये इस प्रकार के शहीद होते हैं तो हरियाणा में उनका बहुत बड़ा एक शोक मनाया जाता, श्रद्धांजलि हम देते हैं।
अगर आतंकवाद समाप्त होता है तो हमारे सैनिक देश की सीमा के ऊपर अच्छी प्रकार से सुरक्षा कर सकेंगे। अंदर की घटनाएं या आतंकवाद की ये बंद होनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए, जब से 370 का प्रभाव साथ हुआ है एक भी घटना नहीं हुई है। कोई घटना हुई? हम लोग ये सब इस प्रकार से जो सोचते हैं, कांग्रेस की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच, इसमें जितना फर्क है सब हम समझते हैं। और ये सारे फर्क एकदम साफ हैं। क्यों? क्योंकि नियत साफ है। फर्क साफ इसलिए कि नियत साफ है। हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं और कांग्रेसी जब बात करते हैं, अभी एक वीडियो वायरल हो गया पिछले दिनों में कांग्रेस के प्रत्याशी का, गुड़गांव का प्रत्याशी है कटारिया, कहता हम नहीं जानते भारत माता का को, यहां भारत माता की जय नहीं चलेगी, या तो सोनिया माता की जय चलेगी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम, शर्म आनी चाहिए। भारत माता को सोनिया माता, यानी ये कोई लेवल है सोचने का? उनको तो अपने नेताओं की पड़ी है, नेताओं के झगड़े। हम देश की बात को लेकर चलते हैं, देश के पाकिस्तानी जो दुश्मन है पाकिस्तान को, उसको सबक सिखाने की बात करते हैं। दुनिया में आतंकवाद के बारे में एक माहौल बनाया नरेंद्र मोदी जी ने कि आतंकवाद को समाप्त करना है। सारी दुनिया पाकिस्तान को छोड़ करके सब एक तरफ हो गई है कि आतंकवाद को समाप्त करना। अमेरिका जैसे देश भी हमारे साथ आके खड़े हो गए हैं, पाकिस्तान को धूल चटाएंगे। और केवल इतने राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, हम प्रदेश के नाते भी, जब सत्ता हमने संभाली उसके बाद प्रदेश में जितनी कमियां कमजोरियां वो सब हमने ध्यान में की। पिछले गड्ढे भरने में साल लग गया आपको, हमें व्यवस्था बनाने में साल लग गया। हमने अगर काम किया तो सिर्फ 3 साल मिले हमको काम करने के, लेकिन 3 साल में पारदर्शिता, हर प्रकार की, हर प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकना, बिना भेदभाव के स्तर पर विकास करना, अपने प्राय का भेद खत्म करके सब हमारे अपने हैं। प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता ये हमारी अपनी है, ये हमारा परिवार है, इनकी सेवा करना ये हमारा मंसूबा है। अगर सरकारी नौकरियां लोगों को मिली 72,000 की, तो क्या किसी की जाति पूछ के दी हमने? किसी का नाम पूछ के दी? किसी का हल्का पूछ के दी? हमने कहा भाई जो योग्य व्यक्ति है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, जिसने मेहनत करके मां बाप की खून पसीने की कमाई से और कहीं एक लेवल पर पहुंचा मेरिट पर, उसका हक पहले बनता है। बनता कि नहीं बनता? आपके इलाके में नौकरियां मिली, किसी की सिफारिश लगी, कोई खर्ची लगी, किसी का पैसा लगा? नहीं लगा। इससे सबको आनंद आता है, जिसको नहीं मिली उसको भी आनंद आता है कि जिसको मिली है उसका हकदार था। और मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, ये ठीक बात को ठीक कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, बड़े हिम्मत से कहते हैं। मैंने बहुत ऐसे परिवार देखे, कहते मेरे बेटे को तो नहीं लगी, भाई जिसकी लगी है ना वो वास्तव में उसने जरूरत भी थी और पढ़ा लिखा था, मारे बालक थे, ज्यादा होशियार था, लगी तो बहुत बढ़िया काम आया, ये कहते हैं। हमने किसानों के नाते से उनकी तकलीफों को समझा, किसान की फसल, किसान का एक काम ऐसा है जो सबसे ज्यादा, जिसको कहना चाहिए आकाश खुले आकाश के नीचे होने के कारण से जुड़े जैसा काम है ये। फसल जब तक पक के मंडी जाके बिके नहीं, पैसा जब तक हमें आए नहीं, तब तक ये जुआ है, पता नहीं ठीक ठाक चली जाए सही। बाकी सबके तो अपने दुकान में, फैक्ट्री में, सब छत के नीचे है, ना बारिश का असर, ना ओले का असर, ना सूखे का असर, ना कुछ का असर नहीं। लेकिन इस किसान को 4 बूंद कम आए तो चेहरे पर उदासी छा जाती है, 4 बूंद ज्यादा पड़ जाए तो उदासी छा जाती है, ओले पड़ जाए तो उदासी छा जाती है, भाव ना मिले तो उदासी छा जाती है। इसको सुरक्षा प्रदान करना, ये हमने सारे काम किए। और मुआवजे के रूप में हमने मुआवजा अपना भी बढ़ाया, स्टेट का भी, जो 5,700 रुपया था हमने 12,000 रुपया तरह का किया थे।
और फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसको 20,000 रुपया कर दिया, 20,000 रुपया कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि किसान से पैसा क्यों काटते हो, भाई पहली बात तो यह है कि जो बीमे की कंपनियां हैं उनका एक नियम होता है, सबको तो मुआवजा नहीं देना पड़ता, लेकिन मुआवजा देंगे कहां से, वो थोड़ा थोड़ा सबसे लेते हैं, 10% का खर्चा लेते हैं, कहीं 10 का, कहीं 11 का, कहीं 8 का, कहीं 9 का, अलग अलग होता है इलाकों में अलग अलग फसल का। हमने कहा सिर्फ किसान 2% देगा, बाकी जितना ऊपर का पैसा है आधा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी आधा स्टेट गवर्नमेंट देगी, किसान को सिर्फ 2% देना है। उस 2% में 400-500 रुपया किले का बनता है। अब बैंक से वो 400-500 रुपया ले लेते हैं, वो कहते हैं भाई अगर बीमा नहीं हुआ कल को गड़बड़ होगी तो लोन तो हमने दिया हुआ, भरपाई कहां से होगी, तो मुआवजे से भरपाई होगी तो पहले उनको पैसा मिल जाएगा, किसान को भी मिल जाएगा, इसलिए वो जरूरी किया। और हमने तो उससे आगे बढ़ गए, हम एक कदम और, हमने कहा अगर किसान नहीं भी चाहता तो हम साल के 6,000 रुपया किसान को देंगे और उस 6,000 में से अपने बीमे करा ले, पेंशन ले ले, किसान फसल बीमा योजना के पैसे दे दे, 6,000 में जो जो कुछ कर सकता है सब कर ले, कुछ बच जाए तो उसके खाते में भी डाल देंगे, ये हमने स्टेटमेंट कर दिया। और प्रधानमंत्री जी ने जो किसान की सम्मान निधि है वो 6,000 रुपया अलग से आते हैं साल के, किसानों के हित में, और ना केवल किसानों के हित में, मजदूर के हित में, श्रमयोगी के हित में, छोटे व्यापारी के हित में, कोई भी ऐसा परिवार जिसकी आय, जिसकी आमदन 15,000 रुपया साल से कम है, उन सबको ये हमारी 6,000 रुपए की स्कीम का फायदा मिलेगा, सबको मिलेगा। अभी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, लोगों के जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को कभी भी इस प्रकार से लोगों के जीवन के साथ कोई भी सरोकार नहीं था, फर्क साफ है, क्योंकि तुमको ये समझना पड़ेगा। हमने भावांतर भरपाई योजना चलाई, यानी फसलें, सब्जी, आलू, टमाटर, प्याज, गोभी, ये बोते हैं लोग, कभी कभी ऐसा होता है इतना भाव कम हो जाता है सड़कों पर फेंक के आ जाते हैं, उनका फेंकने की जरूरत नहीं है, जिस भाव मंडी में बिकता बेच दो, जो आपका खर्चा आ रहा है उसमें अगर घाटा पड़ जाएगा तो ये सरकार देगी, चिंता मत करो, ये हमारा काम है, जो करोड़ रुपया दिया हमने इसमें। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब। अयोध्या में मैं एक दो बातें बता करके अपनी बात को खत्म करूंगा। जहां तक पानी की बात है, मैंने खेतों के पानी की बात तो कही है, इस इलाके में तो शायद इतनी पानी की कमी नहीं होगी, लेकिन दक्षिण हरियाणा का पानी की कमी बहुत है। हमने कहा कि हरियाणा का एक एक खेत का एक एक किल्ला, उसमें पानी पहुंचाने का काम हम करेंगे, चाहे उसमें माइक्रो इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन, और चाहे उसमें टपका की सिंचाई, इससे पहुंचाना पड़ेगा वहां पहुंचाएंगे। साथ ही हमने कहा कि घर में पीने का पानी, जैसे हर रसोई के अंदर गैस सिलेंडर पहुंचाया है, कोई आज रसोई ऐसी नहीं है किसी की जिसके घर में गैस सिलेंडर ना हो, और ना हो तो अभी भी बता देंगे जाकर के अपने दफ्तर में तो 48 घंटे के अंदर गैस सिलेंडर पहुंचेगा। ये हमारी माताएं बहने बताएं, जरा 10-5 ऐसी होंगी जिनके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, कोई ऐसी एक, अच्छा वो हाथ भी उठा रहे हैं तो बाद में यूं कर देते हैं, ऐसी कोई नहीं है, हर परिवार में गैस सिलेंडर कनेक्शन है। अब हर रसोई में जल, नल से जल, टूटी खोलो, पानी अंदर चलाओ, साफ पानी पीने का, ये हम देने की सारे हरियाणा में करेंगे, जहां पानी कम है वहां भी भेजेंगे, तो दो चीजें पहुंचेगी तो बहुत जाएगी। सड़कों में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिले के रोड, और गांव में ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें, ये सब बन रही है। गांव के जो पक्के रास्ते हो रहे हैं, उन पक्के रास्ते होने के बाद अगला कदम हमारा यह है कि खेतों के जितने रेवेन्यू रास्ते हैं, 2 क्रम के, 3 क्रम के, 4 क्रम के, वो भी सब पक्के करा देंगे। अगले 5 वर्ष की योजना ये है। आपको अपने खेत में भी जाना है तो आप अपने गाड़ी से, स्कूटर से, कार से, जिससे भी जाना था चाहते जाओ, बैलगाड़ियों का जमाना खत्म ही हो गया, तो ट्रैक्टर आ गए या मोटरसाइकिल स्कूटर आ गए, तो आपको पक्के रास्ते मिलेंगे, कीचड़ में से नहीं जाना पड़ेगा। हमने ऐसे बहुत योजना बनाई है, संकल्प पत्र हमारा आने वाला है। रोजगार के नाते से हरियाणा निवेशकों के लिए,
जो यहां आकर के निवेश करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके लिए आकर्षण बन गया है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां ज्यादा ज्यादा रोजगार लगाने के लोग आ रहे हैं। अब तो उनको जमीनें मिलती नहीं है, जमीनें महंगी हो गई हैं, फिर भी जिस इलाके में जमीनें सस्ती वहां के ले रहे हैं, रोजगार के नाते भी, पढ़ाई के बाद हुनर का विकास, स्किल डेवलपमेंट, इसके हर फैक्ट्री के अंदर हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अपने आप ट्रेनिंग दो और ट्रेनिंग देकर के वहीं उसको नौकरी लगाओ। एक एक आदमी का हम साथ रख रहे हैं। अभी तक तो सीएम विंडो में लोग अपनी शिकायत भेजते थे, शिकायतों का निवारण होते थे, हम कहते थे घर आपके, सरकार आपके द्वार। अब हमने हर परिवार की पहचान करनी शुरू कर दी है, एक एक परिवार का हिसाब किताब रख रहे हैं, बच्चे का जन्म और जीवन की आखिरी यात्रा, वहां तक किस आदमी की क्या जरूरत है और किस आदमी के पास कितना हुनर है, कितनी काबिलियत है, कितनी योग्यता है, उसका उपयोग भी करेंगे, हर आदमी को ट्रैक करेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा है सरकार हर परिवार, सरकार आपके परिवार तक पहुंचेगी, आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, यह व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्रों आप तो चुनाव की इस वेला पर यही अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशी श्री शशिकांत जी कौशिक इनको भारी मतों से जीता है। हमारा पूरा गतिरोध हम कालका से शुरू करते हैं, कालका, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत में आकर के सवालखा में उनको ब्रेक लगी, वरना ये जो 23 सीटों में से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ गई थी केवल ये सवालखा रह गई थी। कालका से लेके सवालखा तक सिर्फ एक सीट बची, तो इस बार ये एक सीट की भरपाई आप कर देंगे, ऐसा मैं पूरा विश्वास लेकर के चलता हूं। और कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी हैं उनको अब जिन शब्दों में मैं कह सकता हूं कि उनको इस बार धूल चटा दो, इस बार धूल चटा दो और कांग्रेस का नाम लेना भूल जाए। और कांग्रेस के बहुत अच्छे अच्छे लोग धूमधाम के हमारे पास आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, अच्छे लोग सब पार्टियों में हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर खराब होता तो उनका नेतृत्व होता है, तो उनकी पॉलिसी, उनके नेतृत्व, उनसे सब लोग धाप चुके हैं, हाँक चुके हैं। इसलिए उन सबको, अच्छे लोगों को भी अपने साथ जोड़ो, चाहे उनके वोटर हैं, चाहे उनके समर्थक हैं, चाहे उनके ऐसे नेता हैं जो उनको पसंद आई नहीं हुई कांग्रेस की गतिविधि, उन सबको भारतीय जनता पार्टी का जोड़ करके अपने काफिले को बड़ा करते जाओ और इतने बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की जीत कराओ जिससे हम सबका उत्साह बढ़े। क्या संभालता के लोगों ने जो पिछली बार की कसर थी उसको पूरा कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।